स्टार्ट हो गया दोस्तों, नगर पालिकाओं के नगर निकायों के चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। सहारनपुर में कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ चुनाव के अंदर खड़ी हुई है और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि हम लोग सभी सीट को जीतने का काम करेंगे। नगर पालिका नगर पंचायत में जिस प्रकार का समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है, मुझे लगता है कि हम सभी जो नगर पालिकाएँ हैं और नगर पंचायत हैं उनके अंदर चुनाव जीतने का काम करेंगे। सहारनपुर का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और सहारनपुर का ये चुनाव ख़ास तौर से मेयर का पहला मेयर होगा। इससे पहले मैं चेयरमैन था और बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने जिस तरह से मुझे अलोकतांत्रिक तरीके से हटाने का काम किया था, काम नहीं करने दिया था, उसके बावजूद जो काम हम किस्तों में मिली हुई 12 महीने की चेयरमैन की सीट को करके गए थे वो अपने आप में रिकॉर्ड है और इतिहास में दर्ज है। मैंने जिस तरह से काम किया ये एहसास कराने की कोशिश की कि नगर पालिका के अंदर अब गरीब की चलेगी, गरीब की बात सुनी जाएगी और जहाँ कभी विकास नहीं पहुँचा था वहाँ विकास पहुँचेगा। जो हमने कहा उसको कर दिखाया। मैं करने में यकीन करता हूँ, बोलने में कम, और इसी बात को आप सब लोग जानते हैं, ख़ासतौर से सहारनपुर के लोग, कि हमारा उम्मीदवार जिसे हमने उतारा है शशि वालिया 32 साल से आप लोगों के बीच में सियासत कर रहे हैं और बड़े ईमानदार और सेक्युलर इमेज का व्यक्ति है। जिस तरह से चुनाव के अंदर व्यापारियों ने मुझसे आकर कहा कि साहब जीएसटी के बाद हमारा व्यापार ख़त्म हो गया और जीएसटी लगने के बाद हमारा जो सामान दुकान के अंदर रखा हुआ है उसका कोई नकद ख़रीदार नहीं और जो सामान हमारा उधार में बिका है और जो मार्केट में हमारा उधार पैसा है उसकी वापसी का कोई रास्ता नहीं हो रहा है। लोगों में बहुत गुस्सा और आक्रोश देखने को मिला। हमारी मीटिंग हुई और मीटिंग में हमने तय किया कि वालिया जी को पार्टी ने चुनाव लड़ाने का फैसला किया। वालिया जी का चुनाव जिस दिन से स्टार्ट हुआ उस दिन से और आज तक जिस तरह से समर्थन मेरे व्यापारी भाइयों ने आगे बढ़ करके दिया वो अपने आप में मैं समझता हूँ कि मेरे 30 साल के राजनीतिक जीवन में पहली बार है कि हमारे हिंदू भाई, हमारे व्यापारी भाई खुद आगे बढ़कर हमें मीटिंग के लिए भी बुला रहे हैं और हमें समर्थन का वादा भी कर रहे हैं। यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने हाजी फजलुर रहमान साहब को टिकट दे दिया। हाजी फजलुर रहमान साहब नेक आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं और यकीनी तौर पर वो गरीबों के मददगार हैं और उनको मदद करनी भी चाहिए। अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा है कि वो खूब ज़कात देते हैं, खूब गरीबों की मदद करते हैं। गरीबों की मदद करना, ज़कात देना, दीनदार होना, नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, ये तमाम तर चीज़ें बहैसियत मुसलमान एक आदमी के लिए ज़रूरी हैं और बहैसियत मुसलमान ये तमाम काम हम लोग अगर करते हैं तो ये काम अल्लाह की राह में करते हैं और इस काम के बदल अल्लाह से चाहते हैं कि अल्लाह हमारी आखिरत का रास्ता आसान कर दे, अल्लाह हमारी आखिरत के अंदर ये तमाम काम हमारे काम आए, क्योंकि ये काम हम अल्लाह के लिए करते हैं। ये पहली मर्तबा देख रहा हूँ
कि इन कामों को आपने अपने वोट का जरिया बना लिया। वोट किस बात के लिए हम लोग देते हैं? वोट शहादत है। वोट आप देते हो कि कौन आपकी कयादत सही कर पाएगा, कौन आपकी कयादत करेगा। हाजी साहब पैसे वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, उनके पास पैसा खूब है, वो पैसा बांट भी रहे हैं, चुनाव में भी बांट रहे हैं। अल्लाह बांटें, खूब बांटें, मुझे उससे कोई एतराज नहीं। लेकिन जब ज़रूरत आपको पड़ती है, आपकी तो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, रोज़मर्रा के काम हैं, क्या उन ज़रूरत के ऊपर वो काम आ सकते हैं? ये मेरे बच्चे रोज़ मोटरसाइकिलों पर चेकिंग होती है, चेकिंग अभियान चलता है, और ये टेलीफोन मिला मिला करके पुलिस वालों से मुझसे बात कराते रहते हैं। क्या ये मुमकिन है कि हाजी साहब आपका टेलीफोन भी उठा पाएं? क्योंकि उनकी मसरूफियात अपने कारोबार के लिए बहुत ज़्यादा हैं, और कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, कारोबार को चालू रखने के लिए उन्हें तमाम तरह के समझौते करने पड़ते हैं। अपना उनका कारोबार इतना कच्चा है कि वो बिना समझौतों के चल ही नहीं सकता। उनका कारोबार पुलिस के बिना नहीं चलेगा, उनका कारोबार पॉल्यूशन के बिना नहीं चलेगा, उनका कारोबार बिजली विभाग के बिना नहीं चलेगा, उनका कारोबार प्रशासन के बिना नहीं चलेगा। उनके कारोबार के अंदर, उनकी फैक्ट्री में, उनके स्लॉट हाउस पर नज़र लगी रहती है ये जो गुंडागर्दी का दल भारतीय जनता पार्टी और इसके विचारधारा के लोग हैं, इन लोगों ने बनाया हुआ है, जो सड़क पे चलते हुए रोक करके लोगों को पहलू खान बनाने का काम करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। शक के अंदर कोई मांस ले जा रहा है, उसे शक के अंदर पीट पीट करके कत्ल तक कर देते हैं। तो ये उनका कारोबार है, ये अपने कारोबार को बचाने के लिए उनके साथ समझौते भी करते हैं। अब कोई चुनाव आप देख लीजिए, किसी भी वार्ड में, पूरे शहर के किसी भी वार्ड के अंदर, मुस्लिम वार्ड के अंदर भाजपा का वोट नहीं निकलता। लेकिन आप रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो चौंक जाओगे कि ढोली खाल से हर चुनाव के अंदर वोट निकलता है, जबकि वहाँ मेरे किसी हिंदू भाई का वोट नहीं है। हर चुनाव में निकलता है, वो वोट इसलिए निकलता है कि इनके समझौते आपस में, इनके समझौते हैं आपस में, इन्हें अपना कारोबार चलाना है, इन्हें इन सबको मैनेज करके रखना पड़ता है। हर हफ्ते इन्हें लिफाफे देने पड़ते हैं, हर हफ्ते इन्हें इनकी सिफारिशों के ऊपर दुनिया भर के काम करने पड़ते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये वोट मजाक नहीं है, ये वोट मजाक नहीं है। आप वोट देते हो अपनी क़यादत के लिए, आपने मुझे वोट दिया। इमरान मसूद की आवाज़ के अंदर अगर दम है तो दम इमरान मसूद का नहीं है, दम वो आपकी ताकत का है जो आपने मेरे अंदर डालने का काम किया, जो आपने मुझे वोट दिया, मेरे नाम पर मेरे साथियों को जिताने का काम किया। आपने सहारनपुर के अंदर रिकॉर्ड, जब पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी का तूफान चल रहा था, आपने 3 MLA जिता दिए। ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि बहुत आपको समझाने के लिए काफ़ी होगा, इसको भी नहीं करें, समझाने के लिए काफ़ी होगा। चूँकि तीन विधायकों का जीतना कोई मामूली काम नहीं था। 3 विधायक आपके जीते, एक समाजवादी पार्टी से, शहर के अंदर आपने वोट दिया, एक तरफा वोट दिया, और उस हालात में दिया कि तमाम लीडर जो हमारे खास तौर से मुस्लिम लीडर हैं वो खिलाफ थे। बेहट के अंदर नरेश सैनी साहब चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ भी हाजी इकबाल साहब चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें भी अल्लाह ताला ने पैसे से खूब नवाजा है। ये अजब चलन चला है सियासत में कि पैसे वाले आते हैं और थैली के बल पर चाहते हैं कि वो सब काम कर लेंगे, सारी दुनिया को खरीद लेंगे। वहाँ भी बड़ा शोर मचा था कि साहब हमने इनको मैनेज कर लिया, हमने इनको मैनेज कर लिया, और यहाँ तो 66% दलित और मुसलमान है, और 66% दलित और मुसलमान पे सारे मुसलमान नेता उनकी हिमायत में लगे हुए थे, पार्टी की बाउंड्रीज तोड़ करके हम अकेले ही तो चुनाव लड़ा रहे थे उनको। और 31,000 वोटों से बेहट के लोगों ने जिता करके बता दिया कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से आप किसी का ईमान नहीं खरीद सकते। यही काम सहारनपुर में भी इंशाल्लाह होगा, आप पैसे से किसी का ईमान नहीं खरीद सकते। पैसा बहुत छोटी चीज है, पैसा सब कुछ नहीं है दुनिया के अंदर। पैसा बांट रहे हो, बांट दो, आपके पास में अल्लाह ताला ने दिया, बांटो, अल्लाह ताला आपको और बांटने की तौफीक दे। लेकिन साथियों, ये कयादत है। कल दंगा हुआ शहर में 2013 में 14 में,
क्या था उसमें? उनके घर के सामने ही तो हुआ था। मैं तो गोली खाने के लिए सड़क पर खड़ा था, रोक रहा था। हाजी साहब घर के अंदर बैठे हुए थे, बाहर भी नहीं आए। कर्फ्यू के अंदर मैं गली गली धक्के खा रहा था, अपनी जान हथेली पर रख करके। ऐसे हालात के अंदर आपको जरूरत कहां पड़ती है नेता की? कहां जरूरत है आपको क्यादत की? आपको जरूरत है जब आपके ऊपर कोई वक्त पड़े उस वक्त आपका कायद आपकी मदद के लिए हाजिर रहे। ये तो आपका खादिम है। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास मोहब्बत है, मेरे पास मेरी जान है जो आपके लिए कुर्बान है। और मैंने कहता नहीं हूं, सारे शहर में गली गली महल्ले महल्ले जिस वक्त शहर जलाने की कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे थे, मैं घूम घूम करके लोगों से गुजारिश कर करके ये कह रहा था कि दंगे से बहुत नुकसान होगा, दंगे से नुकसान होगा। और पूरे टाइम 36 घंटे लगातार सड़कों के ऊपर हम रहे। किस बात के लिए रहे? कि आप लोग महफूज रहें, आपके ऊपर कोई आंच ना आए। आप लोगों जो नफरत के सौदागर हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, हम लोग मोहब्बत के पैगाम लेकर के आपके बीच में गए और हमारी बात को आपने माना, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं। लेकिन तब ये कहीं नहीं थे, तब ये ना कहीं दिखाई दे रहे थे, ना ही दिखाई देंगे, आज भी नहीं दिखाई देंगे। आप 2 दिसंबर के बाद इनको ढूंढ भी नहीं सकते, इनसे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट्स चाहिए। इमरान मसूद नहीं है कि रात को 2 बजे भी आवाज दोगे तो बाहर खड़ा होगा। इमरान मसूद आपका खादिम है, आपके लिए 2 बजे भी आएगा, 3 बजे भी आएगा, जरूरत पड़ी तो पूरी रात भी खड़ा रहेगा। इसलिए मेरी मौतबाना दरखास्त है आप तमाम लोगों से कि ये मेरी क्यादत का इम्तिहान है। ये इम्तिहान है उस बात के लिए कि 2019 में लोकसभा का चुनाव है और मेरे लोकसभा के चुनाव के अंदर जिस तरह से मुझे मेरे दलित भाई, मेरे हिंदू भाई मेरे साथ चल रहे हैं, चूंकि आपने पूरा वोट डालकर देख लिया मैं नहीं जीत पाया। जब तक हमारे दूसरे भाइयों का वोट शामिल नहीं होगा ये मुमकिन नहीं है। मुल्क के अंदर मोहब्बत के साथ हम लोग जिंदा रह सकते हैं, नफरत से जिंदा नहीं रह सकते। हम लोग मोहब्बत वाले लोग हैं। बीजेपी से आज सांठगांठ की मैं सबसे बड़ी मिसाल आपको बता देता हूं। मैं चुनाव लड़ाना चाह रहा था जावेद साबरी साहब को, हमने कहा था कि हमारा एक हिंदू भाई एमएलए बन गया, मुस्लिम भाई को हम मेयर लड़ाते हैं। लेकिन सारे हालात को हमने देखा, हमारे शाहजान मसूद साहब को बसपा ने टिकट दे दिया। हमने सारे हालात को घूम करके देखा तो हमें ये महसूस हुआ कि हम लड़ाई तो अच्छी लड़ रहे हैं, लोग वादा भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। और मैंने जावेद साबरी साहब से भी गुजारिश की और शशि वालिया साहब को बुलाया, हाजी बार साहब को बुलाया और अपने तमाम दोनों MLAs को बुलाया और हमने बात की। तब हमने पार्टी में भी बात की, पार्टी से निर्देश हुआ कि जो आप लोग फैसला करोगे हम उसको मान लेंगे। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी, राज बब्बर साहब ने भी, सब ने कह दिया कि जिसको यहाँ सहमति हो जाए उसका नाम गए। तब लोगों की सहमति बनी कि साहब शशि वालिया जी को हमें चुनाव लड़ाना चाहिए। शशि वालिया जी के साथ व्यापारियों का समर्थन हमारे पास आ गया तो हमें और ताकत मिल गई। हमने शशि वालिया जी को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया। जैसे ही हमने ऐलान किया वैसे ही शाहजान मसूद का टिकट अचानक कट जाता है। शाहजान का टिकट करके हाजी फजलुर रहमान साहब को मिल जाता है। हाजी फजलुर रहमान साहब को टिकट मिलता है इसलिए कि हाजी फजलुर रहमान साहब के नाम के ऊपर चुके शशि वालिया के आते ही बीजेपी में खलबली है, बीजेपी के अंदर विरोध है। 40 के 40 सेक्टर के अंदर इनके बागी उम्मीदवार खड़े हो गए, एक बड़ा तबका इनके मुखालफत में खड़ा हो गया। तो इन्होंने कहा कि इसको इकट्ठा करने के लिए क्या किया जाए। इन्होंने, क्योंकि पुराने दोस्त हैं, हाजी जी मेरे इलेक्शन में तो बीजेपी के स्टेज पर भी रहे, हरीश मलिक साहब के साथ बीजेपी के स्टेज पर रहे, हाजी साहब 98 के इलेक्शन के अंदर बीजेपी के साथ खड़े रहे। मैं इनको बुरा नहीं कह रहा हूं कि कोई हाजी जी को कोई खुदा ना खास्ता मैं बुरा कह रहा हूं, मैं सिर्फ इसीलिए बात कर रहा हूं कि उनकी मजबूरी है, उनका कारोबार ऐसा है कि उनको उनके साथ रहना पड़ेगा, उनको मैनेज करके रखना पड़ेगा, वो तो अपना मैनेजमेंट कर रहे थे। इन्होंने, बीजेपी वालों ने फिर इनको इस्तेमाल कर लिया और इनको इस्तेमाल करके कहा कि पैसा खर्च करो और जाओ, चूंकि बहन जी के यहाँ पैसा दो सब कुछ मिल जाता है, जिसकी जेब जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। बसपा के लोगों के बारे में आम चर्चा है, आम लोग कहते हैं, और हुआ भी वही, हाजी जी का टिकट हो गया और बीजेपी को एक बहाना मिल गया। बीजेपी सारे टाइम एक ही बात बोलेगी जो मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, वो बीजेपी हिंदू भाइयों के अंदर जाकर बोलेगी कि ये तो स्लॉटर हाउस वाला आ गया, ये तो ऐसा आदमी आ गया, ये तो ये कटवा देगा, ये तो यहाँ ये कटवा देगा।
अब वो वहां नफरत बोएंगे और ये मुसलमानों के बीच में आके नफरत बोएंगे कि मैं मुसलमान हूं, भाई भाई सेहत मुसलमान तो मैं भी मुसलमान हूं, मुझे मुसलमान होने पर अल्हम्दुलिल्लाह अपने फख्र है। ये दोनों के दोनों मिलकर नूरा कुश्ती खेलेंगे। इस नूरा कुश्ती में क्या होगा, हाजी साहब कभी जीत नहीं सकते। यहाँ के समीकरण ऐसे हैं, यहाँ के समीकरण है दलित मुसलमान या खूब चिल्ला रहे, अगर ये दलित मुसलमान कर भी लें और दलित मुसलमान की बात भी कर लें, सारा भी इकट्ठा होकर एक जगह डाल दें, तो जब तक दूसरे वोट में से 55,000 वोट जो आजादा है आप तोड़कर नहीं लाओगे, ये कैसे मुमकिन है कि आप चुनाव जीत जाओ? और इतना कमजोर कांग्रेस का कैंडिडेट कैसे हो जाएगा कि आप बीजेपी को हरा रहे हैं वहां पर? आप खुद आकलन कर लो, जब तक बीजेपी के साथ जो बुनियादी वोट है, जो नफरत के नाम पर वो खड़ा करने की कोशिश करेंगे, उस बुनियादी वोट के अंदर तकसीम कर हम अपने साथ खड़ा नहीं करेंगे। और हिंदू और मुसलमान इत्याद और इत्तफाक के साथ, मोहब्बत के साथ, दलित भाई मोहब्बत के साथ एक जगह होकर वोट नहीं डालेंगे, तब तक ये जीत मुमकिन नहीं है। और ये यकीन जानिए कि आप, खासतौर से मैं अपने भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आप दो तरफा घिरे हुए हो, चूंकि अगर आप लोगों ने मेरा साथ छोड़ करके हाजी साहब के नाम पर वोट कर डालने की कोशिश की या दिखाने की कोशिश की, तो बीजेपी 1,00,000 वोट से जीतेगी, क्योंकि कोई उनको दूसरा वोट मिलने वाला नहीं है, बीजेपी 1,00,000 वोट से जीतेगी। मैं कमजोर हूंगा और मेरी कमजोरी का नुकसान भी आपको होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी कयादत को बिलावजह कत्ल आप क्यों करना चाहोगे, जबकि आपको हासिल कुछ नहीं होना है? हासिल कैसे होगा, हासिल कैसे होगा, हासिल हो नहीं सकता, क्योंकि हालात हैं जिस तरह का, वोट परसेंटेज वोट हमारा है, जिस तरह वोट हमारा पड़ता है, नहीं इसको मत रहने दो भाई, जिस तरह का वोट हमारा पड़ता है, आप वोट का ट्रेंड पुराना उठाकर देखिए। मैं अपने जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग कम से कम समझदारी के साथ बात कीजिए। कुछ लोग इकट्ठे होंगे क्योंकि हाजी जी के पास पैसा बहुत है, उन्होंने बहुत सारे लोग इकट्ठा किए हुए हैं नफरत फैलाने के लिए। भाई जब हम अपना बीजेपी के लोगों को, बजरंग दल के लोगों को और उन लोगों को जो हिंदू भाइयों में नफरत फैलाते हैं उनको बुरा कहते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि जो मुसलमान भाइयों के बीच में नफरत फैलाएंगे जाकर के? और मुसलमानों के लिए तो मैं आप खास तौर से कहना चाहता हूँ, फिरका परस्ती जहर है, सांप्रदायिकता जहर है, सबसे ज्यादा नुकसान सांप्रदायिकता का, फिरका परस्ती का अगर किसी को होता है तो हमको होता है। और हमारे जैसे लोग जो मोहब्बत की बात करें, जो इत्तेहाद की बात करें, जो इत्तफाक की बात करें, उन्हें तो जूते खाने पड़ते हैं। आपको दो तरफा मारने की तैयारी है, एक तरफ आपका कैंडिडेट जीतेगा नहीं और दूसरी तरफ आपकी क्यादत खत्म हो जाएगी, आपकी क्यादत के ऊपर सफालिया निशान लग जाएंगे। मुझे जो 2019 का मेरा इलेक्शन खड़ा हुआ है उस इलेक्शन के अंदर नुकसान हो गए। जानते हैं कि मैं अपनी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी के बहुत करीब हूँ, जिनको पता है अच्छी तरह से, ये भी जानते हैं ये इमरान यहाँ से चुनाव जीतेगा तो यकीनी तौर के ऊपर राहुल जी के यहाँ इसका वजन है, इसको बहुत वजन मिलेगा, ये जानते हैं। इसीलिए ये मुझे रोकना चाहते हैं और ये बार बार मुझे घेरते हैं, ये फिर मेरे घेरने की तैयारी है। लेकिन मेरा ये चुनाव साथियों मेरे लिए अपने कई चुनाव से कहीं ज़्यादा, अपने चुनाव से भी ज़्यादा मैं समझता हूँ ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और आप सब लोगों से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस चुनाव के अंदर मेरी मदद करें। ये चुनाव सहारनपुर के अंदर आपकी क़यादत को, आपकी ताकत को, आपके वजूद को बचाने का काम करेगा। और यकीनी तौर पर इस चुनाव को आपने जीत लिया तो 2019 का रास्ता बहुत आसान होगा, क्योंकि बहुत लोगों ने देख लिया कि जिनको इन्होंने जिताया। और ये बात साफ है कि हाजी जी में और मेरे में बुनियादी फ़र्क ये है कि हाजी जी का शौक़ है सियासत, हाजी जी का अपना कारोबार बढ़ाने का रास्ता है सियासत, मेरा जुनून है सियासत, मैं सियासत में खिदमत के लिए हूँ, उनके पास पैसा है वो पैसा बांट रहे हैं, मेरे पास मोहब्बत है मोहब्बत बांट रहा हूँ। वो ज़रूरत पड़ेगी तो आपको अपने पसीने की बूंद भी नहीं देंगे, मैं ज़रूरत पड़ेगी तो अपनी जान भी आपको दूंगा, ये वादा हमेशा आपके साथ किया है। और मेरी सांस में जब तक सांस है वो आपके लिए है, आपकी खिदमत के लिए है, और मैं जब तक भी ज़िंदा हूँ जब तक आपकी खिदमत करता रहूँगा, ये यकीन और ये वादा जो आपसे मैंने हमेशा किया है फिर दोबारा करना चाहता हूँ कि आपका भाई हमेशा आपके लिए खड़ा है, खड़ा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।